केरल में बाढ़ ने मचा दी है तबाही। अब तक हो चुकी है 29 से भी ज्यादा लोगों की मौत। हालात में सुधार और काबू पाने के लिए 5 N-32 विमान और 2 MI-17V5 हेलीकॉप्टर के साथ तैनात की गई है वायुसेना। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल PMS मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। केरला में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 29 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के बड़े हिस्से में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से मुख्य सड़कें बंद कर दी गई हैं। इडुक्की में लगातार बारिश के कारण हालात इतने भारी हो गए हैं कि मजबूरन इदमलियार बांध के बाकी के 2 द्वार भी खोलने पड़े हैं। इससे पहले ही बांध 1992 में खोला गया था, इसलिए नदी के तट पर काफी अतिक्रमण हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पानी एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए तैयार है। 2 स्थानों में तो जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। बांध का जल स्तर गुरुवार को जब 2399 मीटर के पार हो गया तो 26 वर्षों के अंतराल के बाद बाकी के 2 द्वारों को भी खोलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त पानी का स्तर 2401 मीटर तक पहुंच गया था। केरला में हुए भारी नुकसान के बाद हालात पर काबू पाने के लिए बचाव एवं राहत अभियान में 5 N-32 परिवहन विमान और 2 MI-17V5 हेलीकॉप्टर और एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। उम्मीद है जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए दीजिए इन खबरों से इजाजत। मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।